सीधे आपको लिए चलते हैं देवघर, जहां से संवाददाता हमारी रुचि शर्मा जुड़ चुकी हैं। रुचि, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देवघर बेहद खास सीट है और यहां पर क्या कुछ मतदान को लेकर लोगों में उत्साह, क्योंकि पहले दो घंटे बीत चुके हैं। देवघर की बात करें, अगर देवघर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, हम बात करेंगे पूरे संथाल क्षेत्र की, क्योंकि संथाल से जो यहाँ की राजनीति है वो इसका दिशा और दशा तय होता है। तो देखिए, हमारे साथ जो लोकप्रिय नेत्री का सके समाज सेवी के रूप में भी हैं, निशिकांत दुबे सर की पत्नी है, जो गोड्डा के लोकसभा सांसद है, उनकी पत्नी अनु दुबे है, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जाने वाली है। मैम, इस बार के चुनाव को किस रूप में देख रही हैं? इस बार का चुनाव पूरी तरह से बदलाव का चुनाव है। झारखंड इस बार सोच चुका है कि भाजपा की सरकार लानी है। ये लोग करप्शन से बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं यहाँ के लोग, और सबसे बड़ी बात है जितनी भी हम लोगों की योजनाएं हैं जो ये लोग पकड़ करके रोक के रखते हैं, जनता को इस बात का बहुत गुस्सा है कि मोदी जी इतना सारा योजना वहाँ से यहाँ भेजते जो यहाँ पर क्रियान्वित नहीं होने देते। इस वजह से इस बार पूरी तरीके से बदलाव का वोट है। अच्छा, लेकिन फिर भी ये एक मैया समान ये कई योजनाओं का बता रहे हैं कि हमारे पास कई उपलब्धियां हैं, बावजूद इसके महिला सुरक्षा पर हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं। महिला सुरक्षा के साथ साथ कई ऐसी सरकार की योजनाएं हैं जो धरातल तक नहीं पहुंचती हैं। एब्सोल्युटली, अभी 6 महीने पहले मैं जब चुनाव के लिए गई थी लोकसभा के लिए, तो इन लोगों ने हमें कहा कि मैडम, उनके लोग आते हैं हमसे जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं इसमें, और आप समझिए 2 साल पहले उनसे रजिस्ट्रेशन उन्होंने करा लिया, चाहे अबुआ आवास योजना है, उस वजह से ये लोग क्या करते हैं उस योजना में जब रजिस्टर करा लेते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना से वो लोग कट जाते हैं, क्योंकि आपको सरकार की एक ही योजना मिल सकती है। और बेचारे कितने लोग ऐसे हैं जो कि अब आवास में उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया और 2 साल से उनको एक चिट्ठी तक नहीं आई, और प्रधानमंत्री आवास योजना उनका लगभग फाइनल था। तो ये चीज़ों का वो सिर्फ क्या करते हैं, उनको लगता है कि मोदी जी कर रहे हैं, हम कह के उसका वोट ले लेंगे। वो उन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर उन्होंने मोदी जी को कॉपी करने की सोची थी तो उनके स्टाइल को पूरी तरह से कॉपी करना चाहिए था, सिर्फ योजनाओं को डिक्लेयर करने में कॉपी नहीं करना चाहिए था, कैसे उसको धरातल पे लाया जाता है इसकी भी कॉपी करनी चाहिए थी। बिल्कुल, तो देखिए एक विजन जो है वो इनके पास है, और ऐसे में माना जा सकता है। अच्छा, संथाल की राजनीति को किस रूप में देख रही है, क्योंकि संथाल में उतनी मजबूत स्थिति नहीं थी? नहीं, मजबूत स्थिति पहले थी, अभी फिर हो जाएगी। देखिए, जनता बहुत भोली है, ये लोग इस तरीके से 5 साल इन्होंने उसको ऐसा जकड़ के रखा जैसे कि उनके लीडर्स को पकड़ लेते हैं, उनसे वो बरगला देते हैं। अब जनता नहीं बरगलाती है, एक बार आप उनको बुद्धू बना सकते हैं, दोबारा हमारे यहाँ कहते हैं काट की हांडी 2 बार नहीं चढ़ती, चढ़ गई उनकी एक बार काट की हांडी। तो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। इस बार बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जो है वो काफी अहम रहा। बांग्लादेशी घुसपैठ के साथ साथ शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, कई सारे मुद्दे रहे, लेकिन बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा जो है वो काफी अहम रहा है। बिल्कुल रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठिया आने से बहुत समीकरण बदले हैं। आप समझिए, एक तो सामाजिक समीकरण जो बदला सो बदला, उसके अलावा ये जितनी रोजगार योजनाएं हैं वो सब वो आकर के सस्ते में कर लेते, और जो यहाँ की युवा पढ़ते हैं, जैसे सांसद जी ने इतना सारा यहाँ पे योजना लाए जिसकी वजह से बहुत पढ़ाई लिखाई चल रही है, वो इतना पढ़ लिख लेते हैं तो उनका एक सैलरी होगा कि इस सैलरी में वो काम करेंगे। ये बांग्लादेशी वगैरह आते हैं वो बहुत सस्ते पढ़े लिखे होते हैं, बहुत बहुत सस्ते में नौकरी कर लेते हैं, तो उस वजह से रोजगार की योजना, और जब घर में एक बार रोजगार की योजनाओं की प्रॉब्लम आएगी तो उससे सब कुछ एसोसिएटेड होता है, चाहे वो घर हो, चाहे उनका लिविंग स्टैंडर्ड हो। तो ये बांग्लादेशी घुसपैठी बहुत तरीकों से अटैच्ड है इस समीकरण का। अच्छा, आप महिला हैं, राज्य भर में अगर महिला सुरक्षा की बात की जाए तो कितना लगता है कि महिलाओं को सम्मान देने का या सुरक्षा देने का कार्य सरकार ने किया? बिल्कुल कतई नहीं करा। आप देखिए ना, कितनी सारी है आदिवासी, खुद मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री अपने आप को क्लेम करते हैं, आप दुमका में ही देख लीजिए आदिवासी कैसी लड़की को उन्होंने टांग दिया रेप करके। तो आप जिस चीज़ का मतलब परचम उड़ाते हैं कि हम आदिवासी हैं और हम आदिवासी के नेता हैं और इसलिए हम मुख्यमंत्री बने, तो कम से कम आदिवासी महिलाओं की बच्चियों को कम से कम उनको भी तो आप करिए कि अच्छा, ये मेरे अपने ही, हमको अपना वोट दे रहे हैं, इन्होंने हमको बनाया तो हम उनको करें, वो उनको भी नहीं करते हैं। 23 तारीख को क्या उम्मीद रखती है? बस भाजपा का परचम लहराएगा। ये देखिए, चेहरे की स्माइल बता रही है, कॉन्फिडेंस बता रहा है, और ऐसे में देखने वाली बात होगी, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी मालिक जनता होती है, और ऐसे में जनता ही तय करेगी सुष्मिता कि जो राज्य का नेतृत्वकर्ता कौन होगा, राज्य में इस बार किसकी सरकार बनेगी। हालांकि अभी मतदान की प्रक्रिया चल रही है, 38 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जो है वो हो रहे हैं, तो ऐसे में कह सकते हैं कि बेहद ही आज का दिन जो है वो काफी खास है। अहले सुबह के 7 बजे से ही मतदान जो है
हैं वो हो रहे हैं, और एनडीए हो या एनडी गठबंधन हो, दोनों आमने सामने हैं। कई ऐसे मुद्दों को लेकर के और चुनावी मैदान में है। इस बार परचम कौन लहराएगा, जनता के बीच में कौन अपनी पैठ मजबूत कर पाया है, कौन पकड़ बना पाया है, ये तो आज ईवीएम के माध्यम से जो जनता है वो, चूंकि दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है तो दूसरे चरण की वोटिंग में आज जनता जनार्दन अपना फैसला जो है वो सुना रही है, और 23 तारीख को जो है रिजल्ट परिणाम सबके सामने आ जाएगा। तो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।